हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को वैक्स करके बताऊंगी कैसे आप वैक्स कर सकते हो, वैक्स करने का तरीका क्या है। तो हम सबसे पहले पाउडर लगाएंगे, अच्छे से टैल्कम पाउडर लगाने रहते हैं ताकि हेयर अच्छे से निकले। उसके बाद हम वैक्स को गर्म कर लेंगे और अच्छे से नॉर्मल ठंडे में करके वैक्स लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रिप्स लेंगे, एक तरफ से चिकने होते हैं, एक तरफ से रुखड़े होते हैं, तो ध्यान में रखें कि जिस साइड से रुखड़े हैं उस साइड से लगाने और उसको अच्छे से मालिश कर, मतलब आप देख रहे हो कैसे रगड़ रही हूँ, क्योंकि जब तक अच्छे से ये रगड़ नहीं होंगे तब तक हेयर नहीं निकलेंगे। और धीरे से नहीं निकालने, खींच के झटके से निकालने, तभी हेयर जो है वो झटके से निकलेंगे अच्छे से। ये देखो, आराम से लगाने, पतले पतले वैक्स लगाने, ये नहीं कि चौड़े चौड़े से गाढ़े हो, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हेयर है वो कम्प्लीटली सही से नहीं निकलेंगे। अब देख रहे हो पतले पतले से एकदम मैं लगा रही हूँ। उसके बाद वैक्स पट्टी को रखा, पूरा अच्छे से रब किया ऊपर की। ये ध्यान में रखें फ्रेंड्स कि आपका हेयर का डायरेक्शन किस साइड से, क्योंकि डायरेक्शन से ही ये आपके हेयर निकलेंगे। अगर अपोजिट साइड से है तो आपको अपोजिट साइड से ही निकालना है, क्योंकि हेयर के डायरेक्शन एक नहीं होते, फोर साइड से भी होते हैं, फाइव साइड से, मीन्स कि ऊपर से भी आते हैं, डाउन से भी जाते हैं, राइट से भी आते हैं, लेफ्ट से भी। तो आप पहले क्लाइंट के या फिर किसी के भी अगर वैक्स कर रहे हो तो आप पहले हेयर का डायरेक्शन देख लो कि वो डायरेक्शन किस साइड से, क्योंकि अगर उल्टे डायरेक्शन में और आप उल्टे से निकाल रहे हो, अप साइड से और आप डाउन से निकाल रहे हो, तो वैसे क्या होंगे कि आपके हेयर नहीं निकलेंगे और उनको पेन भी बहुत होगा। इसलिए अच्छे से देख लेने, इनके उतने नहीं थे, नॉर्मल थे, इनके सीधे सीधे ही थे, तो इसलिए मैं सीधे सीधे से ही निकाल रही हूँ। ये देखो, निकालने पे टैनिंग कितना ही ज़्यादा रिमूव होता है, आप देख रहे हो कितना टैन है। और जब मैं वैक्स कर रही हूँ तो ये देखो कितने गंदे और टैनिंग निकल रहे हैं। तो वैक्स से टैनिंग भी निकल जाते हैं, हाथ भी साफ हो जाते हैं और हेयर वैक्स से हेयर भी निकल जाते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से पहले टिश्यू से, पानी से अच्छे से भिंगा कर देख लेंगे, चेक करेंगे ताकि कहीं मेरे बाल छूटे वूटे तो नहीं है। उसके बाद सूखने देंगे, ये टॉवल से पोंछ लो, फिर देन जहाँ पे नहीं हुए हैं पाउडर लगाएंगे। ये देखो डायरेक्शन इस साइड से, अब मेरे को उस साइड से लगानी है, तो ये भी देख लो कैसे मैं लगाती हूँ। अभी जो मैं बोल रही थी कि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन देख लो आप कि डायरेक्शन किस साइड से है हेयर के, देन उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो मैं पट्टी कैसे लगाऊंगी, इस टाइप का लगाऊंगी और अच्छे से ऊपर की तरफ पुश करूंगी, जो कि मेरा जो हेयर है वो नीचे से वो ऊपर जाए। एकदम क्लीनली निकल गए सारे, बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से निकालो तो बहुत इजी से निकल जाएंगे। बट हाँ, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट बहुत है कि आपका डायरेक्शन सही हो। अगर आप उल्टा लगाते हो तो वो हेयर नहीं निकलेंगे और क्लाइंट को बहुत पेन भी होगा। और एक ही जगह पे वैक्स तीन चार बार ना लगाएं, क्योंकि एक बार निकल जाने पे क्या होते हैं, वहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अगर दोबारा लगाओगे तो उनको गर्म भी लगेगा और जलन भी देगा। ये देखो, अब यहाँ का देखेंगे तो ये इस साइड से, तो हैंड को फोल्ड कर देनी है एंड पाउडर देख रहे हो कैसे लगा रही हूँ, और वैक्स भी इसी टाइप के लगाने हैं। देखो क्योंकि इनका डायरेक्शन इस साइड से था, इसलिए मैंने इनका हैंड ऐसे फोल्ड कर दिया ताकि हेयर अच्छे से निकल जाए। निकल चुके हैं क्लीनली, देख रहे हो पहले और अब में कितना ही फ़र्क है। अब मैं इसे क्लीन करूँगी अच्छे से। अब फिंगर्स के पास में निकाल लें, यहाँ पे भी अभी छूटे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक एक अच्छे से बाल देख लो, अगर एक दो छूटे भी हैं तो उसको धागे से निकाल दिया करो, क्योंकि एक दो के लिए फिर वैक्स लगाओ, क्योंकि बार बार मैं क्या बोल रही थी कि वैक्स नहीं लगाना है, तो इसलिए एक बार ही लगाना है। दो बार, एक दो बार ठीक है, बट बार बार नहीं। एंड देखो ये इतने, इनके हैंड में बहुत ज़्यादा ही टैन थे, यहाँ पे छूटे हैं,
अच्छे से देख लेनी है कि कहाँ पे छूटे हैं कहाँ पे नहीं छूटे, झटके से निकालना है और फिंगर्स के पास निकालना है हैंड में। इम्पॉर्टेंट है कि आप पाउडर लगा के ही करो, क्योंकि वैसे क्या होते हैं ईजी से लगते हैं। अच्छे से मालिश कर लो देन फिंगर हैं आप पकड़ के। और सबसे पहली बात, अगर आप वैक्स लगा के स्ट्रिप्स लगा के अगर आप खींच रहे हो तो सिर्फ नॉर्मल हैंड मत पकड़ो, अगर जहाँ से भी कर रहे हो तो हैंड को स्किन को अच्छे से दबा करके निकालो, ताकि स्किन पे ना तो कटे, क्योंकि अगर आप लूज़ करोगे तो स्किन कटने का भी डर है, और अगर बहुत स्किन का सेंसिटिव है तो बहुत लोगों का ऐसा होता है सेंसिटिव स्किन है तो कटने का भी डर होता है, बट आज तक हमारे पार्लर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि करने का तरीका होना चाहिए। बट हाँ, केयरफुली करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब अच्छे से मैं निकाल लूँगी। जब भी करना है तो हैंड को अच्छे से नीचे से पकड़ के तब पुश करो, तब अच्छे से निकालो हेयर। ये देखो यहाँ पे जैसे हेयर डायरेक्शन उल्टे थे तो छोटे छोटे हैं, तो ये देखो मैं धागे के हेल्प से निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ हेयर नहीं निकल पाते हैं, थोड़े से ही थे जो डायरेक्शन उल्टे थे। ये देखो बिफ़ोर आफ्टर, ये अभी जो हो चुका है वैक्स और एक जो होने वाला है ये लेफ़्ट वाले एंड। अब मैं इसका करूँगी सेम, इस पर भी वैसे ही करना है। आप पाउडर लगा लो अच्छे से, वैक्स करना है, ज़्यादा देख लो वैक्स गर्म तो नहीं है, क्लाइंट के हाथ तो नहीं जलेंगे। चेक करने का तरीका है, आप फिंगर पे ले लो, फिंगर से देख लो। और मुझे गाइस, मुझे स्पून से ही बहुत सही लगता है वैक्स लगाना, क्योंकि बहुत इजीली निकल जाते हैं स्पून से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पून से, बट मुझे बहुत इजी लगता है स्पून से, तो इसलिए मैं स्पून ही रखती हूँ और उसी से निकालती हूँ। बहुत अच्छे से निकल भी जाते हैं, लग भी जाते हैं और जल्दी हो भी जाते हैं। फिर स्ट्रिप्स का देख लेना है किस साइड पे चिकनापन है, किस टाइप पे थोड़ा सा है हार्ड, तो हार्डनेस जहाँ पे रहेगा उस साइड से लगाना है। और जितने अच्छे से आप ये मालिश करोगे, जितने अच्छे से उसको रब करोगे, उतने अच्छे से हेयर आपके निकलेंगे। और अगर अच्छे से करोगे तो बाल बहुत लेट से आते हैं, और अगर सही से नहीं करोगे, तुरंत लगा कैसे उखाड़ दोगे निकाल दोगे, तो उससे क्या होता है कि बाल आधे से ही टूट जाते हैं। बट जब अच्छे से रब करो एकदम और खींच के निकालो, ये देखो, तो ऐसे क्या होते हैं कि ये स्किन के अंदर से निकाल देते हैं हेयर। अगर थोड़ा सा ही आप रब कर रहे हो और निकाल दोगे तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अच्छे से करना है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं करना है, ये मैंने वीडियो फास्ट किया है थोड़ा सा, लेकिन आराम आराम से लगाना है। और कभी भी आप वैक्स लगा रहे हो तो स्पून से लगा रहे हो या फिर कुछ से भी, तो उसको आपको हैंड पे डायरेक्ट नहीं रख देना है, क्योंकि क्या होगा कि वो वहाँ जब वैक्स आएंगे तो वो मोटे से लेयर आएंगे तो वो जल जाएंगे स्किन। इसलिए आपको स्टार्टिंग में जैसे लगाने तो एकदम लंबे लंबे से लगाने। अभी देखोगे कैसे मैं लगाऊंगी, ये देखो मैंने रखा एक बार भी नहीं, मेरे हाथ चल रहे हैं। तो हाथ को रखना नहीं है, हाथ को ना तो एकदम सॉफ्टली चलाना है, इसकी जल्दी जल्दी लगाना है, ताकि क्लाइंट को पेन ना हो, गर्म ना लगे और वो ईजली करवा ले। अच्छे से पोंछ के देखनी है कि हेयर कहाँ है, और वैक्स से थोड़े से होते हैं इरिटेशन भी होते हैं किन्हीं किन्हीं को, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ देन सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। क्योंकि ये ध्यान में रखें, भींगे हैंड में वैक्स नहीं होते, या तो अगर स्वेटिंग हो रहे हैं उसमें भी वैक्स नहीं होते, स्वेटिंग अगर चलेंगे तो वैक्स जो है हमारा वो हैंड पे नहीं चिपकेगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, स्वेटिंग होता है तो नहीं होता है, चिपकता ही नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं,
गर्मी के टाइम पे ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ठंड ये सब में नहीं होता है, और इसलिए हमें टेलकम पाउडर यूज़ करनी चाहिए ताकि जो हमारा जो वैक्स है वो अच्छे से निकले, और हाथ में जो भी मॉइस्चर हो, पानी हो या फिर स्वेटिंग हो, जैसे पसीना हो, तो वो ईज़ली उस पर लगाने से आपको ईज़ली निकल जाएंगे। अब इस साइड भी उनका वैसे ही था डायरेक्शन, जिस हाथ में जैसे था वैसे ही इस हाथ में भी है, तो हमें फिर से वैसे ही लगाने उसी टाइप के, और फिर से ऐसे रब करने, खींच के निकाल लें। एक्चुअली उस दिन मैं अकेली थी, तो कोई स्टाफ लोग भी नहीं थी, कोई गर्ल्स लोग नहीं थी मेरी कि वो वीडियोस वगैरह ले, तो इसलिए थोड़ा सा कट कर आया है। बट आपको उस वाले हैंड में दिखा दिया मैंने कैसे होता है, ईजी, बहुत ईजी है। बस हाँ, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट कर लो, क्योंकि हैंड का है तो स्किन भी निकल जाते हैं। जो न्यू है, जो बिगनर्स लोग हैं, तो वो कम से कम जब कर रहे हैं तो वो पैर पे पहले आप लोग ट्राई करो, डायरेक्ट हाथ पे मत करो, क्योंकि हाथ सेंसिटिव होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए पहले फुट पे आप लोग ट्राई करो। देन जब आपको लगे कि हाँ अब हम हैंड कर सकते हैं, हैंड पे अप्लाई, तो फिर आप हैंड पे करो, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम है और अगर आप कर रहे हो तो स्किन जल भी सकते हैं, या फिर अगर आप कर रहे हो तो जो प्रोफेशनल जो सीखी हुई है अच्छे से उनके सामने अगर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर एकदम आप लोग बिगनर्स हो, नॉलेज नहीं है करने का, तो वीडियो अच्छे से देख लो, देन उसके बाद करो, ताकि स्किन पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों के स्किन पे ऐसे होते हैं, हर लोगों का स्किन अलग अलग होता है, सेंसिटिव होता है, किसी का ड्राई होता है। अगर आप वैक्स कर रहे हो, अगर रेड 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 छोटा सा हो जा रहा है, तो उससे आप डरे ना कि क्या हो गया, सेंसिटिव स्किन है। अगर आप स्किन को छेड़ रहे हो तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करता है, बट वो ठीक हो जाता है। देन आपके पास एस्ट्रोजेंट हो वो लगा दो, थोड़ा सा मसाज दे दो। मैं मसाज भी देती, इस वाले वीडियो में मसाज नहीं है हैंड का, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी हैंड मसाज। तो अगर दाने दाने से हो रहे हैं तो कस्टमर से यही बोलना है कि आपके सेंसिटिव स्किन है इसलिए ऐसे हो रहे हैं, कुछ देर के बाद ये दब जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मसाज दे दो, या फिर एस्ट्रोजेंट से अच्छे से देकर मसाज दो, ताकि बाल जो है निकले हैं, जो दाना दाना आ रहा है वो सब नहीं आएंगे, ताकि अच्छे से हो जाएंगे। इसलिए ये नहीं होना, पैनिक नहीं होना है कि ये दाना क्यों निकल रहा है, रेडनेस क्यों हो रहे हैं। हाँ, जिनके बहुत सेंसिटिव है तो थोड़ा सा आराम आराम से करना है, स्किन रेड हो जाते हैं, ब्लड भी आ जाते हैं किन्हीं किन्हीं के, बट ध्यान से करना है। ये देखो कंप्लीट हो गया हैंड, कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन एकदम। इसमें मैंने थोड़े देर के लिए मसाज दिखाया है बस, और नेक्स्ट अच्छे से मसाज मैं आपको वीडियो वो डालूंगी। मसाज देने से देखो हैंड भी सॉफ्ट हो जाते हैं, और जितनी भी टैनिंग थे इनके सारे रिमूव हो गए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो वैक्स का, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट में बताएं कैसा लगा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करते जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।